जूले बच्चों, तो कल के लेक्चर में हमने डिबेंचर के इशू और रिडेम्पशन के वक्त कितना कितना कैसेस आ सकते हैं, कितना कितना टाइप्स आ सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ा था। तो आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पर, जिसमें डिबेंचर को हम क्या कर रहा है, रिडीम कर रहा है, कैसे कर रहा है, परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट से, जो हमने पहले परसों के लेक्चर में कहा था, वेरियस मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, उसमें एक मेथड है परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड जो है वो परचेस इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑफ द फेस वैल्यू। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज के हिसाब से बेच रहा है वो, तो 20,000 अमाउंट का डिबेंचर है। अब उसने क्या किया, फ्रॉम 20,000 डिबेंचर परचेस फ्रॉम द ओपन ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन एट ₹92, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल इंट्रीज। अब एक्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर मार्केट से अपना ही डिबेंचर को जो ₹100 में उसने इशू किया था, उसको अगर ₹92 में उसको मिल रहा है, इसलिए उसने वहां से तुरंत ही खरीद दिया, क्योंकि उसको अब इसको रिडेम्पशन करना था। अब इस सूरत में हमारा एंट्री क्या होगा, तो इसलिए ये हमें क्या करना है, यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट बनाना है। तो बच्चों, जनरल इंटरेस्ट का फॉर्मेट तो आपको काफ़ी पता होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल के वक्त भी हमने क्या हर टाइम इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल, तो ये हमारा होगा डेट का कॉलम, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलो के पेज नंबर के लिए LF, फिर ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट आइटम्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, एंट्री बनेंगे ऑन डिबेंचर, अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू करेंगे बैंक। शेयर मार्केट में पैसा देके अपना ही डिबेंचर को हमने क्या किया, खरीद लिया, कितने रुपए में खरीदा, ₹92 में खरीदा। अब हमारे पास डिबेंचर कितना है, टोटल ये है हमारे पास 20,000 का वैल्यू है, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100, ये हम कैंसिल करेंगे, तो डिबेंचर हमारे पास 200 का था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग ऑन डिबेंचर परचेस फ्रॉम मार्केट एट द रेट ऑफ ₹92 इंटू कितना डिबेंचर है 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन 0002 2 4 2 9 18, दैट इज 18,400, 18,400 का हमें अपना ही डिबेंचर मिल रहा है। तो इसका पहला एंट्री ये रहेगा। अब दूसरा एंट्री होगा, अब क्या करना है हमें, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू करेंगे, इसको किसके साथ कैंसिल करेंगे, ओन डिबेंचर के साथ, ओन डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर हमारे पास पहले कितने का वैल्यू था, 20,000 का था, 20,000 के डिबेंचर को हमने क्या किया, डेबिट किया, हमने परचेज किया कितना, 18,400 में, 18,400 में। अब इसमें हमें क्या हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे टू लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, दैट इज 20,000 में से 18,400 को अगर छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1,600। तो इस टाइम हमें क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन दैट इज 1,600। अब इसका हमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर ऑफ रुपीस 20,000 कैंसल्ड, इसको हमने क्या किया, ओपन मार्केट से परचेस करके कैंसिल कर दिया।
आप एक छोटा सा एंट्री इसमें और एक ऐड हो जाएगा, बाकी फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। आप प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डेबिटेड टू करेंगे, कैपिटल रिजर्व में हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये होगा जी हमारा 1600, 1600 यहां पर लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये तीन एंट्री हमें करना होता है जब हम अपना डिबेंचर को रिडीम करेंगे बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वही रिडेम्पशन। इसमें अगर इसमें हमारा दूसरा मेथड है, इस मेथड में रिडेम्पशन हम करेंगे लेकिन बाय कन्वर्टिंग द डिबेंचर इनटू शेयर या डिबेंचर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैड ₹6 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 ऑन 1 अप्रैल 2015। दीज डिबेंचर आर रिडीम बाय कन्वर्जन। ये जो शब्द है यहां पर कन्वर्जन, दैट मींस वो अपना डिबेंचर को क्या करने जा रहा है, कन्वर्ट करने जा रहा है इनटू किस में, शेयर्स में ऑफ ₹10। अब शेयर को किस किस यूनिट के हिसाब से वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ₹10 ईच। अब इसमें दो उसने हमें क्या दिया है, कंडीशन दिया है, इस 6 लाख में से 3,30,000 का डिबेंचर वो रिडीम कर रहा है बाय इश्यू ऑफ शेयर एट 10% प्रीमियम। मतलब ₹10 फेस वैल्यू है तो उसका 10%, दैट मीन्स 1 रुपया टोटल 11 रुपए के हिसाब से उसको इश्यू कर रहा है। सिमिलरली बाकी रिमेनिंग 2,70,000 को वो रिडीम कर रहा है इश्यू ऑफ शेयर एट पार, वही फेस वैल्यू पे ₹10 पे। तो इसमें हमारा क्या होगा, अभी जनरल इंटरेस्ट किस तरह से बनाएंगे हम यहां पर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 10% डिबेंचर जो ऑलरेडी हमारे पास डिबेंचर है, ये रिडम्पशन के वक्त ये एंट्री होगा, 10% डिबेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो ये हमारे पास कितना है, इसका वैल्यू दैट इज 6 लाख। यहां पर हमारा नरेशन होगा, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। अब नेक्स्ट एंट्री होगा हमारा, अब इसमें क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कल क्या करते थे हम, डिबेंचर होल्डर को जब पेमेंट के वक्त आ जाता था, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू हम क्या लिखते थे, बैंक लिखते थे। लेकिन इस टाइम हमें बैंक नहीं लिखना है, इस टाइम हमें लिखना है टू, लिखना है शेयर कैपिटल। आज उस अब उसको क्या देने जा रहा, हम शेयर देने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट टू। आप शेयर वो किस पे इशू कर रहा है, प्रीमियम पे इशू कर रहा है। तो कितना परसेंट प्रीमियम था हमारा, 10%। तो यहां पर हमारा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप देखिए 3,30,000 का हमारे पास अमाउंट है। अब इसको क्या करना है, हमने इश्यू करना है शेयर, वो भी कितने पे, प्रीमियम पे। तो शेयर का फेस वैल्यू है 10, तो इसका 10% हो गया, 1 रुपया टोटल हो गया शेयर का। यूनिट कितने यूनिट के हिसाब से हमने इसको डिवाइड करना है, 11 रुपीज के हिसाब से, 11 3 30, दैट मीन्स 30,000 शेयर हम उसको देने जा रहा है। तो यहां पर होगा जी, यहां पर हमें 30,000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से अलग से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्रीमियम का होगा जी 30,000 इंटू 1 रुपीज के हिसाब से। तो ये हमारा अमाउंट बनेगा 3 लाख और ये बनेगा 30,000।
फिर इसका टोटल बनेगा 330,000। अब इसका नरेशन होगा बीइंग 3,300 शेयर्स सॉरी डिबेंचर 3,300 डिबेंचर रिडीम बाय इशू ऑफ 30,000 शेयर एट 10% प्रीमियम। ये हमारा इसका एंट्री रहेगा। आप नेक्स्ट केस के लिए सेकेंड के लिए हमें क्या है 2,70,000 को हमने इशू करना है शेयर एट पार पे। तो सेकेंड के लिए 2,70,000 डिबेंचर को हम रिडीम करने जा रहा है बाय इशू ऑफ शेयर एट पार। तो हमारा एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे, फिर 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें सीधा सीधा बात है 2,70,000। अब इसका नरेशन रहेगा बीइंग 2,700 डिबेंचर रिडीम बाय इशू ऑफ 27,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। आप लोग ये सोच रहा होगा ये 2,700 डिबेंचर कैसे आया, तो ये हम सिंपल सी बात है 2,70,000 जो कि उसका वैल्यू है, उसके फेस वैल्यू जो कि 100 है उसके साथ हमने क्या किया डिवाइड किया तो 2,700 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, आप इसमें डिबेंचर को रिडीम कर रहा है लेकिन कहाँ से कर रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है के लिमिटेड इशूड 60,000 9% डिबेंचर का नाम जो है 9% है ऑफ ₹100 ईच, उसका फेस वैल्यू कितना है ₹100 है। ऑन 1st of April 2013 को इसने डिबेंचर को क्या किया हमने इशू किया, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप इसको किस पे रिडीम कर रहा है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है कितना 10% पे। ऑन 31st of December 2016 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट, ये जो शब्द है यहां पर ये जो वर्ड्स है इसमें क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि डिबेंचर को हम रिडीम करेंगे और प्रॉफिट में से ₹4,00,000 टू DRR, दैट मीन्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एज पर द कंपनी एक्ट 2013। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से अगर डिबेंचर को रिडीम करने जा रहा है तो कम से कम मिनिमम 25% वो क्या करना पड़ेगा, रिडेम्पशन से पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जरूरी डालना होगा। तो आप ये जरूरी नहीं कि पूरा 25% ही हम डाल दें, इसमें 4,00,000 वो डाल रहा है 2014 में, देन 5,00,000 डाल रहा है 2015 में, और जो भी बैलेंस बचा हुआ है तो 31 मार्च 2016, क्योंकि दिसंबर में तो हमें क्या करना है इसको रिडीम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम DRR का 25% हम निकालेंगे। तो टोटल हमारे पास डिबेंचर का जो अमाउंट है जो फेस वैल्यू है दैट इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ये हमारे पास आ रहा है 60,00,000। 25% DRR कितना बनेगा, दैट इज 60,00,000 का हम क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज ये हमारे पास आएगा, दैट इज 25,650, दैट इज ये हमारे पास आएगा 15,00,000। हमें क्या करना है 15,00,000 का DRR बनाना है। अब इसमें से वो पहले क्या कर रहा है 4,00,000 पहले ही दे रहा है, उसके बाद फिर दे रहा है कितना 5,00,000 दे रहा है,
फिर जो बैलेंस कितना बचा बच गया दैट इज 6 लाख, इसको हमने कब ट्रांसफर करना है, 31 मार्च 2016। और दूसरा एक बात है, ये 6 लाख का डिबेंचर का जो अमाउंट है दैट इज 60 लाख का 15% हमें क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको कहा था, जब कभी भी कंपनी रिडीम करने जा रहा है तो उसी साल के अप्रैल 30 तक पहला वाला महीने में कम से कम 15% का हमें क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बोल के एक अकाउंट को क्रिएट करना है, मतलब पैसा को कहीं लगाना है। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, 60 लाख का 15% कितना बनता है, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 15 6 90, तो ये हमारा बन गया जी 9 लाख का हमें DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना है, 15 लाख का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका हम क्या करेंगे, जनरल इंटरेस्ट बनाएंगे, तो जनरल इंटरेस्ट का फॉर्मेट हम बनाएंगे, तो क्रेडिट साइड के लिए जगह छोड़ेंगे, डेबिट साइड के लिए जगह छोड़ेंगे, लेजर फोलियो, देन पार्टिकुलर्स, फिर हमारा यहाँ पर आएगा डेट। तो यहाँ पर हमारा डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो अभी हमने क्या करना है, रिडेम्पशन के टाइम पे जो भी एंट्री है वो हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारा एंट्री होगा, रिडेम्पशन तो हो रहा है 31 दिसंबर 2016 में, तो इससे पहले डायरेक्टर लोग क्या डिसाइड किया है, उन्होंने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए 4 लाख वो ट्रांसफर कर रहा है, कब ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2014, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कभी कभी हम सरप्लस भी लिखते हैं, डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो इसमें कितना ट्रांसफर हो रहा है जी, दैट इज 4 लाख। तो यहाँ पर हमारा नरेशन होगा, बीइंग DRR क्रिएटेड। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर रहा है जी 5 लाख, इसका डेट होगा 31 मार्च 2015 को, सेम वही एंट्री रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें होगा जी हमारा 5 लाख, इसमें होगा जी हमारा 5 लाख, वही नरेशन सेम, बीइंग DRR क्रिएटेड। देन होगा जी हमारा पास 31 मार्च 2016। अब इसने कहा है जो भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के 25% में से 4 लाख और 5 लाख तो हमने पहले से कर लिया, जो बैलेंस बचता है उसे हमने करना है 31 मार्च 2016 में। तो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये 60 लाख का 25% हमें बन रहा था 15 लाख, और 15 लाख में से 9 लाख छोड़ दिया, तो हमें कितना ट्रांसफर करना है अभी, दैट इज 6 लाख, क्योंकि कंपनी ने ये मैंडेटरी बना के रखा है कि उससे पहले DRR हमें बनाना है। तो सेम वही एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर बीइंग DRR क्रिएटेड। आप एक एंट्री हमारे पास यहाँ पर क्या होगा जी, 15% जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा था, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 में तो ये क्या हो रहा है जी, रिडीम हो रहा है, तो उससे इमीडिएट प्रीवियस ईयर का अप्रैल में हमें कितना मिलेगा,
कितना अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में बनाना होगा, दैट इज 15%। तो उसका एंट्री हमारे पास ये रहेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसका 15% हमने कैलकुलेट किया है, 60 लाख का 15% कितना था, 9 लाख। ये कंपनी क्यों ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जब जब रिडेम्पशन के वक्त आएंगे तो हमें कैश का लिक्विडिटी आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी पास कैश अवेलेबल जल्दी हो जाएगा, इसलिए पहले से हमें इसको इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर इसका नरेशन होगा, बीइंग डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड। आप उसके बाद उसके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, आप हमें जाना सीधा कहाँ पर, 31 दिसंबर 2016, जिस टाइम हमें डिबेंचर को रिडीम करने जा रहा है। तो रिडीम करते वक्त ये DRA को हम सोल्ड करके तुरंत कैश में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका एंट्री वही इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका नरेशन होगा, बीइंग DRI सोल्ड, दैट इज 9 लाख। अब 9 लाख का कैश कंपनी को फौरन मिल जाएगा, कब, 31/12/2016। तो बच्चों आप हमारे पास डिडम्पशन के टाइम पे जो एंट्री करना है वो है, सबसे पहले हम करेंगे 31 दिसंबर 2016, यहाँ पर होगा 9% डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो 9% डिबेंचर अकाउंट का हमारे पास वैल्यू था, दैट इज 60 लाख। अब इसका 10% हमारे पास था, दैट इज 6 लाख। टू करेंगे हम क्या, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 66 लाख। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू, जब मैच्योर हो जाता है तो हमें डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की वक्त आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा एंट्री होगा उसी डेट पे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू करेंगे बैंक, इसको मिलेगा 66 लाख। बीइंग अमाउंट पेड। अब लास्ट में जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो अकाउंट हमने बनाया था, अब इसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो ये हमारे पास बनेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड करेंगे, टू करेंगे कहां पर, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारे पास इसका अमाउंट आया था, दैट इज 15 लाख, दैट इज 15 लाख। यहां पर लिखेंगे बीइंग DRR ट्रांसफर टू GR, इसको हमने क्या क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो बच्चों इसी से आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें आप लोगों ने काफी कुछ सीखा।